हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंडियन फूड विद दिलीप में। मैं दिलीप कुमार, इस चैनल का होस्ट, आपका वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज हम बनाएंगे कच्चे आम का शरबत। जिसे हम आम का पन्ना, कैरी का पन्ना अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ये पन्ना आपको मालूम है स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा होता है, खासकर गर्मी में और लू में। हमें बिल्कुल कूल रखता है, लू से बचाता है। तो चलिए, आज हम आम का पन्ना बनाएंगे। चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं आम का पन्ना। तो चलिए, ये हमने 1 किलो कच्ची कैरियाँ ली हैं और इन्हें धो लिया है। अब हम इस कच्चे आम के छिलके उतार लेंगे, पिल कर लेंगे कैरी को। अब हम इस तरह से इनके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। ये हमने कैरी के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए कच्चे आम के, और इसकी गुठलियाँ अलग निकाल दी। अब हम इस कच्चे आम को बॉईल करने के लिए स्टील के बर्तन में रखेंगे। याद रखिए कि खट्टी चीज़ों को बॉईल करने के लिए स्टील के बर्तन में ही डालना चाहिए, ताकि कोई केमिकल रिएक्शन ना हो। अब हम स्टील की एक भगोनी लेंगे या कोई भी स्टील का एक बर्तन ले लेंगे और उसमें ये कटे हुए आमों को डाल लेंगे। ये हमने स्टील के बर्तन में डाल दिए आम को, और इसमें 2 गिलास करीब पानी ऐड कर देंगे। ये जो कच्चा आम था हमारा 1 किलो के लगभग था, तो इसमें हमने 2 गिलास पानी के ऐड कर लिए हैं। और इसे अब हम गैस पे रखेंगे तेज आंच पर और उबालेंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे। हमें इसे अच्छे से पकाना है ताकि हम इसका पल्प ले सकें काम में। ये बॉयल होने लग गए। अब हम गैस की आंच को धीमा कर देंगे और धीमी आंच पे इसे 5 मिनट और पकने देंगे। देखिए, आम पक गया है। अब हम ये बिल्कुल तैयार हो गया पक के। हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे रेस्ट पर। अब लगभग ये ठंडा हो गया है। अब हम इसे या तो मिक्सी में डाल के पीस लेंगे, और या तो हैंड मिक्सर से आप इसको अच्छे से मैश कर लेंगे और इसकी प्यूरी बना लेंगे। पल्प बिल्कुल तैयार हो गया है। चलिए, अब इसका शरबत बनाते हैं, कच्चे आम का शरबत, और बताते हैं कि अब आगे इसमें क्या क्या ऐड करना है। ये हमारा पल्प तैयार हो गया है, और अब चलिए कच्चे आम का शरबत बनाते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना है वो दिखाता हूँ। स्टील की एक बड़ी भगोनी लेंगे हम, उसमें 3 गिलास करीब पानी ऐड कर लेंगे। अब हम भगोने को गैस पे चढ़ा देंगे और गैस जला लेंगे, और उसमें हम, ये हमारे पास चीनी है, करीब 3 पाव चीनी है, वो हम ऐड करेंगे पानी के साथ में। पानी गर्म होने पर ये चीनी घुल जाएगी इसमें। कच्चे आम का शरबत बनाने के लिए हमें इन मसालों की जरूरत पड़ेगी। बता देता हूँ क्या क्या है। ये है 1.5 टीस्पून करीब काला नमक, और ये है काली मिर्च पिसी हुई 1/2 टीस्पून, ये सिका हुआ जीरा है पिसा हुआ, ये करीब 1.5 चम्मच है। ये है पुदीना की सूखी हुई क्रश की हुई पत्तियाँ,
जो कि हम शरबत में डालेंगे। ये देखिए चीनी लगभग घुल गई है, अब इसमें एक उबाल आ जाए फिर हम इसमें, देखिए ये चाशनी में उबाल आ गया है। पहला उबाल ही आने पर आप इसमें पल्प ऐड कर लें, ज़्यादा ना उबलने दें चाशनी को। ये हमने पल्प ऐड कर लिया है वही कच्चे आम का। ये देखिए चाशनी के साथ पल्प है। अब हम इसमें जो मैंने अभी मसाले दिखाए थे उनको ऐड करेंगे। ये काला नमक जो मैंने बताया था 1.5 टीस्पून था, ये हमने इसमें डाल दिया। ये काली मिर्च है जो कि आधा चम्मच है। ये पिसा हुआ जीरा 1.5 टीस्पून करीब है। मसाले डाल के अच्छे से हिला लेंगे ताकि शरबत में किसी भी तरह के लम्स न रह जाएं। यह भी जो मैंने आपको सूखा हुआ क्रश पुदीना दिखाया था वही है। इसको हमने थोड़ा सा धो लिया है पानी से, अब हम इसको भी शरबत में ऐड कर देंगे। जब ये शरबत उबलेगा तो इसमें पुदीना अपना अरोमा छोड़ देगा और बहुत ही अच्छी खुशबू एक कैरी के साथ ऐड हो जाएगी। इसमें हमने सारे मसाले मिला लिए हैं, अब इसे हम कम से कम 15-20 मिनट तक अच्छे से उबालेंगे। शरबत में उबाल आने लगा है, अब हम आंच को धीमा कर लेंगे सिम पे और इसे धीमी आंच पर ही उबलने देंगे। 15 मिनट करीब हो गए हैं शरबत को पकते हुए, देखिए कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। शरबत लगभग तैयार हो गया है पक करके, अब हम इसे गैस से उतार लेंगे और ठंडा होने देंगे। जब ये आम का शरबत या आम का पन्ना भी बोल सकते हैं ठंडा हो जाएगा तो इसे हम बोतलों में भर लेंगे और फ्रीज में रख देंगे। ये कम से कम आपका 15-20 दिन करीब आराम से चल जाएगा। जब भी पीने का मन करे भी आप पीना चाहें फ्रीज में से बोतल निकालिए, और जिस तरह आम शरबत हम ग्लास में डालते हैं और उसमें पानी ऐड करके पीते हैं उसी तरह आप पी सकते हैं। याद रखिएगा कि शरबत को बोतलों में भरने से पहले उसे छान लेना बहुत ही ज़रूरी है। ये हमने कच्चे आम का शरबत छान करके बोतल में भर लिया है और ये देखिए ये रेडी है पीने के लिए। चलिए पीकर देखते हैं कैसा बना है। शानदार, बहुत ही टेस्टी है। तो दोस्तों बताइएगा आपको कैसा लगा ये शरबत, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।